ये 24 और 30 इंच का कैनवास है और इसके ऊपर मैं ऑयल पेंट्स के साथ एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। ये पोर्ट्रेट मुझे क्लाइंट की तरफ से एक ऑर्डर मिला था दैट आई एम गन पेंट इट। सो ये जो ब्रश है ये बहुत बारीक है और ये मेरा फेवरेट ब्रश है क्योंकि जितनी भी डिटेल होती है किसी भी पेंटिंग में वो मैं इससे देता हूँ। और ये अब मैंने बड़ा ब्रश ले लिया ताकि मैं फर्स्ट जो लेयर है फेस के ऊपर उसे बना लूँ। स्टूडेंट्स पोर्ट्रेट बनाते हुए आपको सबसे पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई करना पड़ती है किसी भी फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आपको सेकेंड लेयर में काम करना पड़े। ये सेकेंड लेयर पे अब मैं काम कर रहा हूँ। सेकेंड लेयर पे थोड़ा सा थिक पेंट इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट लेयर पे थिन पेंट इस्तेमाल होता है और सेकेंड पे थिक पेंट इस्तेमाल होता है। इस पोर्ट्रेट में जो मॉस्टैचेस हैं उन पे ग्रे कलर जो कि अप्लाई करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वाइट को डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। वाइट अगर ग्रे की सूरत में अप्लाई करेंगे तो ही वो एप्लीकेबल होगा पोर्ट्रेट के ऊपर, अदरवाइज़ आप वो अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत सी जगहों पे मैं ब्लैक कलर से तो वैसे ही मैं अवॉइड करता हूँ और ब्लैक की जगह मैं ब्लू कलर या ब्राउन और ब्लू मिक्स करके लगाता हूँ और ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। फेस के ऊपर सबसे ज़्यादा एहतियात से काम किया जाता है। पोर्ट्रेट या पेंटिंग में दीगर जगहों पर थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है लेकिन फेस के मामला में नोज़ एंड लिप्स एंड आइज़ पे सबसे ज़्यादा मोहतात होके काम किया जाता है क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। हमारा जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी यानी कोई भी इवन मैं हम खुद भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म की थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो, खसूसन चेहरे पर। इससे पहले मैंने जो ड्राइंग की है वो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यानी जो आम सिक्के वाली पेंसिल होती है बच्चों के पास उसके साथ मैंने कैनवास के ऊपर इसको ड्रॉ किया। हाथों पर भी फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर डार्क्स एंड लाइट्स एंड वैल्यूज़, बालों को बड़े एहतियात से बनाया जाता है। अगर बाल ठीक से नहीं बने तो ये आपकी पूरी पेंटिंग को स्पॉइल कर सकते हैं। बालों को बहुत एहतियात से बनाना पड़ता है और एहतियात से बनाना भी चाहिए क्योंकि ये किसी भी एक पोर्ट्रेट में ये बुनियादी इनका इनका पार्ट होता है बालों का। ये ख़ास नज़र आ रहे होते हैं और हर बंदे की इस पे नज़र जाती है सबसे पहले बालों पे। कपड़ा, कपड़े की सिलवटें, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना हमारा जो है एक आर्टिस्ट की बुनियादी जिम्मेदारी भी है और उसकी ड्यूटी भी है कि वो तमाम जो भी
पेंटिंग में जगह जितनी भी हैं उनको ईमानदारी से निभाए। संभव बहुत डार्क कलर्स भी अप्लाई करना पड़ते हैं, लाइट भी, लाइट तो मैं बाद में अप्लाई करता हूँ, सबसे पहले मैं डार्क कलर्स लगाता हूँ कैनवास के ऊपर, और लगाने भी पहले डार्क कलर्स चाहिए। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी भी पोर्ट्रेट में जो भी जितनी भी जगह होती हैं, मसलन फेस है, जितने भी प्रोपोर्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको ब्रश की सिलेक्शन करनी पड़ती है। अब मैं कमीज़ के ऊपर कलर कर रहा हूँ तो कमीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा ब्रश चाहिए, जब फेस बना रहा हूँ तो फेस के लिए मुझे छोटे ब्रशेस चाहिए। स्टार्टिंग में भी डार्क कलर अप्लाई किए जाते हैं और आखिर में भी, जहाँ से मज़ीद हमें डार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जब हम डार्क के ऊपर लाइट कलर लगाते हैं तो वो डार्क उतना डार्क रहता नहीं है, उसे इन्हेंस करने के लिए हमें ऐट द एंड भी कुछ पेंट्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ते हैं। बैकग्राउंड कई दफ़ा हमें वैसा ही बनाना पड़ता है जैसा कि फ़ोटो में है, लेकिन सम टाइम्स हमें उसको डिफरेंट कलर्स के साथ बनाना पड़ता है। डिपेंड्स के पोर्ट्रेट किस तरह का है और बैकग्राउंड किस तरह के पोर्ट्रेट के पीछे किस तरह का बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड का जो कलर है उसे ऑब्जेक्ट के अंदर भी कहीं कहीं लगाना पड़ता है ताकि वो आपस में मर्ज्ड लगे। ये मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, खैर साथ साथ चलें, कोई बात नहीं।